रुख करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर का। नरेंद्र मोदी को आज बीजेपी और एनडीए के संसदीय दल का नेता भी चुन लिया गया। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में इस समारोह के दौरान मोदी और आडवाणी दोनों की आंखें छलक उठी। मोदी की आंखें आज बार बार भर आईं। कभी न रोने वाले मोदी संसद भवन के सेंट्रल हॉल के अंदर दो दो बार रो पड़े। पहली बार अटल जी को याद करते हुए उनकी आंखों में आंसू आए, दूसरी बार आडवाणी ने मोदी के लिए कृपा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया तो मोदी के सीने में चुभ गई। बड़ी मुश्किल से वो आंसुओं को रोक पाए। आडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया, मैं आडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा, नरेंद्र भाई ने कृपा की। मैं सोच रहा था कि अटल जी का स्वास्थ्य अच्छा होता और आज वो यहां होते, तो सोने में सुहागा होता। मोदी की आंखें छलकी तो सेंट्रल हॉल में मौजूद कई सांसदों की आंखों में आंसू आ गए। रविशंकर प्रसाद, वरुण गांधी, रतनलाल कटारिया सभी एक साथ भावुक हो गए। अब आडवाणी की भी वो बात सुन लीजिए जिसे सुनकर मोदी खुद को रोक नहीं पाए। ऐसे ऐतिहासिक प्रसंगों के द्वारा गुजरना, ये भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी की कृपा है कि उन्होंने हमको इसके द्वारा गुजरने का ये अवसर दिया है। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आज आडवाणी की आंखें भी छलकी। सुषमा जी, मोदी को बीजेपी संसदीय दल का नेता चुना गया, जिसके बाद मोदी को गले लगाकर आडवाणी की आंखों में आंसू आ गए। ये बीजेपी की महाविजय का आगाज है। खुशी के आंसू रह रहे कर आंखों में उतरे जा रहे हैं। बड़ों की बातें थोड़ी अच्छी ना भी लगे तो संदेश देने का तरीका बदलता दिख रहा है। शायद ये बीजेपी के अच्छे दिन की तस्वीरें हैं। मिथिलेश कुमार के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज।